एक्सरसाइज 2.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज रिस्पेक्टिवली. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मतलब अब हमें क्या है कि जीरोज दिए हुए हैं, उन जीरोज से हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करना है. क्या बोला है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज. मतलब ये जो दो नंबर दिए हुए हैं वो क्या है? एक सम है. सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा. एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो, प्रोडक्ट क्या होता है बोलो? अल्फा इंटू बीटा. बताया था ना मैंने, ये सम ऑफ जीरोज भी बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा को, और अल्फा इंटू बीटा को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, सम मतलब प्लस. ठीक है, तो हम लोग को दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली बोला, मतलब एक के बाद एक. मतलब पहला वाला क्या होगा? ये जो 4 है वो क्या है? अल्फा प्लस बीटा. और दूसरा जो 1 है वो क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा. तो अब हमें सम ऑफ जीरोज दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है, और उससे क्या बनाना है? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. ठीक है, तो मैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फॉर्मूला लिख लेता हूँ. क्या है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फॉर्मूला? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. जरा मेरे साथ बोलेंगे सब लोग, एकदम जोर से आवाज आनी चाहिए मेरे साथ में. क्या लिखा है देखो, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. फिर से एक और बार बोलेंगे, क्या लिखा है बोलो? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. बस इतना ही ये फॉर्मूला है. इस फॉर्मूला में बस वैल्यूज पुट करना है और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मिल जाएगा. तो वैल्यूज पुट करते हैं. यहाँ देखो एक्स स्क्वायर लिखा है तो ऐसे लिख लेते हैं. कौन सा साइन है ये? माइनस. क्या अल्फा प्लस बीटा का आंसर हमें पता है? हाँ पता है, दिया हुआ क्वेश्चन में. तो क्या लिखेंगे? 4 इंटू क्या होगा? एक्स मल्टीप्लाई होगा. फिर कौन सा साइन है ये? प्लस. फिर क्या लिखा है? अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा का आंसर कितना है? 1. अब इसको सॉल्व कर लो. देखो क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स क्या हो गया? 4x और प्लस 1 हो गया. बस इतना ही था. समझा या नहीं सबको? बस आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है और वैल्यूज पुट करने हैं, तो हमें सारे आंसर मिलते जाएंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं वापस. सेम हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या था, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करना है, और हमें क्या दिया हुआ है? सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. तो ये जो है पहला वाला वो क्या है? सम मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो. और दूसरा दिया हुआ है हमें अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? रूट 5. क्या फाइंड करना है बोलो? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. तो इसका फॉर्मूला भी याद किया था सबने? याद किया था कि नहीं अभी सबने? जरा मेरे साथ बोलेंगे वापस, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज इक्वल टू, बोलो जोर से, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. फिर से बोलो क्या लिखा है? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. बस हमें क्या करना है, वापस वैल्यूज पुट करने और सॉल्व करने. तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर. इसको सेम लिख लो. कौन सा साइन है ये? माइनस. क्या अल्फा प्लस बीटा का आंसर पता है? हाँ देखो यहाँ पता है हमें. क्या लिखा हुआ है? जीरो इंटू क्या होगा? एक्स होगा. प्लस क्या लिखना है? अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा का आंसर कितना है? रूट 5. ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस जीरो इंटू एक्स क्या होगा? जीरो होगा. प्लस रूट 5. तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर. अब जीरो का कुछ मतलब होता भी नहीं है, तो जीरो को हटा दो. क्या बच गया? रूट 5. ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. कैसे पता चलता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है? क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं? जिसकी डिग्री 2 हो. डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर. तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है. समझा या नहीं समझा? गुड. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में वापस वही सेम ही है. क्वेश्चन नंबर
टू का टू, हमें क्या दिया हुआ पहला वाले को, क्या पहला वाला क्या है, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है रूट टू, और दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना दिया है वन अपॉन थ्री। क्या फाइंड करना है बोलो, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो वापस मेरे साथ फिर से फॉर्मूला बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज इक्वल टू, जरा जोर से अभी क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फिर से बोलेंगे फॉर्मूला, क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब क्या करना है वापस, सबको पता ही है क्या करना है, बस वैल्यूज पुट करने हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ये कौन सा साइन है बोलो, माइनस का साइन है बोलो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है क्या हमें, हाँ क्या दिया हुआ है रूट टू इंटू क्या होगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, का आंसर कितना दिया है वन अपॉन थ्री। तो इसको सॉल्व कर लो, क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू एक्स रूट टू एक्स प्लस वन अपॉन थ्री। अब देखो क्या मैं इसको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बोल सकता हूँ, हाँ, क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बोलने के लिए क्या चाहिए, डिग्री टू चाहिए, वो तो है। अब हमारे आंसर में क्या होता है, डिनोमेटर नहीं दिया रहता है तो डिनोमेटर हटा देते हैं। वैसे इसको भी ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं बोल सकते, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के लिए क्या चाहिए, डिग्री टू चाहिए। ठीक है, तो डिनोमेटर हटा देते हैं, कैसे हटेगा, एलसीएम लेके देखो, इसका डिनोमेटर कुछ नहीं तो क्या होगा वन होगा, इसका डिनोमेटर कुछ नहीं होगा तो क्या होगा वन होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबको थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्री इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा थ्री इंटू रूट टू एक्स प्लस, यहाँ तो कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये वन हो जाएगा, और नीचे पूरा का पूरा डिनोमेटर क्या हो जाएगा थ्री, इसको क्या लिखेंगे थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू रूट टू क्या होगा अंडर रूट सिक्स ना, होगा ना ऐसा नहीं होगा, क्योंकि थ्री एक रैशनल नंबर है और रूट टू एक इरेशनल नंबर है, तो रैशनल और इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई नहीं होते। तो ये आंसर क्या होगा, थ्री रूट टू एक्स प्लस क्या बन गया वन, और नीचे क्या होगा डिनोमेटर थ्री। तो अभी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल सिर्फ इतना ही होगा, थ्री कैसे हट जाएगा देखो, हम लोग को पता है जीरोस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो आया ना, तो ये हमारा पॉलीनोमियल है, जरा मैं इसे पुट कर देती हूँ, यहाँ पे क्या होगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। ये जो थ्री डिवाइड है इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये डिनोमीटर इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करो क्या लिखेंगे बोलो, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इंटू थ्री, तो क्या हो गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस वन जीरो इंटू थ्री क्या हो गया जीरो। तो ये क्या हो गया मेरा पॉलीनोमियल, क्योंकि हम लोगों ने क्या लिया था पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो लिया था, तो ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस वन। ठीक है।